नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग पॉइंट ऑफ सेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग कैसे SAP यानी कि SAP में हम लोग कैसे जो है शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, और फिनेकल वाली वीडियो भी शॉर्टकट की मैंने डाल रखी है। अगर दोस्तों आपको वो SAP और फिनेकल वाली शॉर्टकट की वीडियो देखनी है जिससे आपका जो है काम आसानी से ईजिली ख़त्म हो जाएगा, तो आपको वीडियो के एंड में वो लिंक मिल जाएंगे, आप उस पर जाके विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑफ सेल के बहुत सारे शॉर्टकट्स, जिसको यूज़ करके आप लोग अपना काम जो है जल्दी से फिनिश कर पाएंगे, बहुत ही इजीली आप जो है कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं कृष्ण सहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों, जब भी आप पॉइंट ऑफ सेल में दोस्तों लॉगिन कर लेंगे तो आपको एक सीक्वेंस याद रखनी है, F4 F5 Tab F4, उसके बाद डबल एस्केप। तो ये सीक्वेंस आपको दोस्तों कीबोर्ड से प्रेस करनी है, आपको बार बार माउस को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देख, और इसमें दोस्तों डबल एस्केप आपको तब यूज़ करना है जब आपका कैश जो है वो 50,000 से ज़्यादा हो, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा के केस में आपको बार बार वहाँ पे कैश ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन आएगा। तो देखिए, सबसे पहले जब आप लॉगिन कर लेंगे तो ऐसी स्क्रीन आपके सामने आएगी। तो जैसा कि मैंने आपको सीक्वेंस बताई है, डेली ऑपरेशन के लिए आपको सबसे पहले F4 प्रेस करना है। तो पहले F4 प्रेस करेंगे तो देखिए ऐसी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, आपके नाम की डिटेल आएंगी, काउंटर एलोकेशन टाइम। उसके बाद आपको शिफ्ट बिगिन करना है, तो देखिए तब भी F4 प्रेस करेंगे, माउस देखिए मेरा यहाँ पे है दोस्तों, अलग है। देखिए F4 प्रेस किया तो शिफ्ट बिगिन सक्सेसफुल हो गई है। उसके बाद अगर आपको काउंटर पे जो है आपको बैक ऑफिस से कैश डाला है तो F5 प्रेस कर देना है। F5 प्रेस करने के बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, आप चाहे तो इसको माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप टैब प्रेस करके भी इसको जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने के लिए आपको F4 प्रेस करना पड़ेगा। तो कीबोर्ड से फिर से F4 प्रेस करेंगे तो देखिए ऊपर जो है कैश एक्सेप्ट हो गया है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपने 50,000 से कम कैश जो है एक्सेप्ट किया है तो आपको कीबोर्ड से एस्केप बटन दबाना पड़ेगा। एस्केप दबाया तो एक ही बार में स्क्रीन में बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर 1,00,000 से ज़्यादा हुआ तो डबल एस्केप आपको वहाँ पे दबाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों नीचे देखिए F12 है, अगर कीबोर्ड से F12 प्रेस करते हैं तो आपके सामने सारे शॉर्टकट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए शॉर्टकट की लिस्ट है, इन सभी शॉर्टकट्स का आप यूज़ कर सकते हैं। मेन स्क्रीन से डायरेक्ट आप जो है उस बुकिंग वाली स्क्रीन में चले जाएंगे। देखिए जैसे कि Ctrl+L जब कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट जो है रजिस्टर लेटर की बुकिंग पे हम लोग आ जाएंगे। देखिए जैसे हमने Ctrl+L प्रेस किया तो रजिस्टर लेटर पर आ गए हैं हम लोग। बुकिंग करने के बाद में दोस्तों जब एस्केप बटन प्रेस करेंगे हम लोग तो फिर से होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे ही होम स्क्रीन पे आपको अगर Ctrl+S प्रेस करेंगे तो जहाँ से स्पीड पोस्ट बुक होती है आपकी, वो स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए आप Ctrl+S प्रेस करके स्पीड पोस्ट को बुक कर सकते हैं। फिर आपको एस्केप बटन जो है वो प्रेस करना पड़ेगा तो वापस से आप होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों दोबारा से शॉर्टकट में अगर आपको पार्सल बुक करना है तो आप दोस्तों यहाँ पे Ctrl+P प्रेस करेंगे। तो Ctrl+P अगर प्रेस करेंगे तो आपका जो है रजिस्टर पार्सल वहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहां से जो है आप कोई भी शॉर्टकट यूज़ करके बुकिंग को कर सकते हैं। देखिए नीचे दोस्तों यहां पे अगर F12 प्रेस करेंगे तो सारे शॉर्टकट आपके सामने आ जाएंगे। देखिए अगर आपको मनी ऑर्डर बुक करना है तो Ctrl+M दोस्तों आपको प्रेस करना पड़ेगा। देखिए जैसे ही आप प्रेस कर रहे हैं तो मनी ऑर्डर बुक करने की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। यहाँ से आप EMO बुक कर सकते हैं। एस्केप प्रेस करेंगे तो वापस से आप होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। और भी दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट दिए गए हैं। देखिए जैसा कि बिजनेस पार्सल अगर आपको करना है तो Ctrl+D आप प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्टर्ड बुक पैकेट करना है तो आप Ctrl+K को बुक वहाँ पर प्रेस कर सकते हैं। IPO अगर आपको सेल करने हैं तो Ctrl+F5 को आप प्रेस करेंगे तो IPO सेल की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। देखिए अगर आपको रजिस्टर्ड प्रिंटेड बुक जो है उसकी बुकिंग करनी है तो आप Ctrl+B को प्रेस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए अगर ई पेमेंट को भी अगर ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे नीचे शॉर्टकट दिए गए हैं सारे, तो उसके लिए Ctrl+E आप प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे अलग अलग शॉर्टकट आप देख सकते हैं। एक्सप्रेस पार्सल के लिए Ctrl+C है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए Ctrl+N आप प्रेस कर सकते हैं, डोमेस्टिक FRB सर्विस के लिए Ctrl+F है, और IPO पेमेंट के लिए आप Ctrl+F6 को प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ से आप चाहे तो इनको जो है लर्न कर सकते हैं, बहुत सारे शॉर्टकट यहाँ पर दिए गए हैं।
तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।